इतना बड़ा बैल है, इसको 1 लाख मांग रहे हैं काटने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ के लिए, टाइम हो रहे हैं 6:30। मैंने सोचा साढ़े छः बजे नमाज है, पर 6:30 नहीं 7 बजे अभी मैं निकल रहा हूँ नमाज के लिए। ये पीछे है मेरा दादा और दादी माशाल्लाह। ओह माय गॉड, वाओ। अभी मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए। अभी ये देखो मैं टोपी पहन रहा हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ नमाज के लिए, फिर मिलते हैं नमाज के बाद। हम निकल गए नमाज के लिए। मेरे साथ है नूर आलम, मेरा कज़न है जो रात को आया था शौसिन के साथ, तो ये भी जा रहे हैं मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को भी। ये देखो एक भी, ये बिल्ली की एक आंख ख़राब लग रही है मुझे, इसको पता नहीं क्या हुआ है। ये देखो ये बिल्ली, ये मेरा वाला बिल्ली है, ये मुझे देख रहे हैं। आप दोनों को भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये आप देख सकते हैं सुबह का मौसम इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, कितना वीआईपी मौसम बना हुआ है और इतनी मस्त हवा चल रही है, आपको क्या बताऊँगा। 20 minutes later। अभी हम नमाज के लिए गए थे तो जमात हो गया था, इधर जल्दी हुआ था 6:30 बजे, मैं सोच रहा 7 बजे। अभी कर रहे हैं चाबी के लिए, बाइक के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अभी ये ऊपर से बाइक की चाबी दिख जाएगा, ये अभी नीचे ऊपर से आएगा। पकड़ो ये चाबी आ रही, ये चाबी आ गया। हाँ ये बाइक उठाइए वाली, अभी हम आगे जाते हैं नमाज के लिए। A few moments later. One hour later. Alhamdulillah, नमाज पढ़ लिया हमने और अभी हम आए हैं दूध लेने और अंडा लेने और सेवियाँ बनवाने हैं जाके। तो ये हुआ था घर के पास जो मस्जिद था उसमें सुबह 6:30 बजे नमाज होगी, हमने सोचा 7 बजे होगा तो लेट हो गए थे हम। फिर आगे घर गया वापस, घर से बाइक उठा के काफ़ी दूर चले गए सचल तक, उधर से पढ़ के आए। अब नाश्ते के लिए यहाँ से हलवा बूढ़ी लेंगे और 7 चने लेंगे, क्योंकि हलवा ये बाई को पसंद है और चने मुझे पसंद है, तो हम ये लेंगे। अभी घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे और आगे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नमाज पढ़ लिया और हम आ गए हैं अभी घर आके नाश्ता करेंगे, फिर आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हम दिन में क्या क्या करेंगे। बेकार आदमी को देखकर पूरी रात बाजार घूम फिर के आया है और अभी हम नमाज पढ़ने चले गए और ये सो गया, पूरी रात सोया नहीं है। अभी देखो कैसे खराटे लेके सो रहा है, चल झूठा। कोमल तैयार होके बैठ गई है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, इसके कपड़े कितने प्यारे हैं। कोमल आपको ईद मुबारक। हाँ ये देखो अपने कपड़े दिखा रही है, ये देखो ये छोड़ो, ईद मुबारक बोलो दीदी, दो दो का मिले, ईद मुबारक बोलो कोमल सब दोस्तों को, हाथ हिलाओ। ये बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये सुबह बोल रही थी मेरी शादी है क्या उठ के, अभी इसने करनी है मेकअप करोगी। अच्छा सही, करो उसकी मेकअप, चल इसको मेकअप करने के बाद दिखाता हूँ आपको मैं। 6 hours later। अभी टाइम 6 बज गया है, मैं आया हूँ बाहर घूमने के लिए, सारा दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया जिसकी वजह से मैं सोया पड़ा और अभी उठ के बाहर आया हूँ घूमने के लिए। अभी देख मेरे पीछे बैल है, इसको काटने के लिए 1 लाख रुपये मांग रहे हैं, यार ये कोई इंसानियत थोड़ी है। ये इतना बड़ा बैल है, इसको 1 लाख मांग रहे हैं काटने के लिए,
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और हमारा एक बैल होता था बचपन में, वो पहाड़ से गिर के मर गया था, सेम इसके जैसा है। चल झूठा। अभी टाइम हुआ है रात के खाने का। हमने रात के खाने में गोश्त खाली बॉईल किया है और बहुत पसंद है मुझे बॉईल किया हुआ गोश्त। आज हम ये बॉईल खाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कल भी आपसे शेयर करेंगे। ये चावल है लेकिन मैं चावल नहीं, मैं यही खाऊंगा सारे। और ये मैं अकेले के लिए किए हैं इतने सारे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।